ओम शांति। शांति सरोवर की धरनी आज फिर एक नए उमंग उत्साह से गर्वित हो रही है, क्योंकि उसके प्रांगण में आप सभी श्वेत फरिश्तों का आगमन हुआ है और साथ ही मंच पर हमारी सभी तपस्वी मूरत, हमारे आदरणीय सम्माननीय आदरणीय सूरज भाई जी, आदरणीय कमला दीदी जी, हमारे आदरणीय रुपेश भाई जी और आदरणीय गीता दीदी जी, और साथ में सम्मुख पधारे आप सभी श्वेत फरिश्ते भाई बहनें, आप सभी का एक बार तहे दिल से इस शांति सरोवर के प्रांगण में स्वागत है, स्वागत है, अभिनंदन है। एक हाथ की ताली बजाएंगे सभी। आप सभी बहुत ही सुंदर भट्टी, जिसका हमारा विषय भी है व्यक्त से अव्यक्त की ओर, इस सुंदर विषय पर आदरणीय भाई जी से हम सभी अपने जीवन को धारणा मूरत, तपस्वी मूरत बनाएंगे। बहुत सुंदर सुंदर योग के अनुभव प्रयोग हम सभी सीखेंगे। तो एक बार पुनः मंच पर उपस्थित हमारे आदरणीय भाई जी का, दीदियों का फिर से एक बार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। और मैं बहनों से विनम्र अनुरोध करती हूँ कि मंच पर उपस्थित हमारी इन महान हस्तियों का स्वागत पुष्पगुच्छ से करने के लिए पधारें। आप सभी के स्वागत में यही कहेंगे, फूलों से बागों का श्रृंगार करते हैं, दिल की दुआओं से आपका सत्कार करते हैं। आप आए इस प्रांगण में, रोशन हुआ ये शांति सरोवर, स्वागत हम आप फरिश्तों का बारंबार करते हैं, स्वागत हम आप फरिश्तों का बारंबार करते हैं। हमारे बीच हमारे तपस्वी मूरत आदरणीय सूरज भाई जी हमारे बीच उपस्थित हैं। वैसे तो अगर मैं इन महान हस्तियों का परिचय दूं तो वो परिचय कम भाषण लगेगा, क्योंकि परिचय बहुत ही लंबा है, लेकिन फिर भी आप सभी भाई बहनों को संक्षिप्त में आदरणीय भाई साहब का परिचय हम आपके सामने रखते हैं। परम श्रद्धेय राजयोगी ब्रह्मा कुमार सूरज भाई जी का जीवन, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, अपने नाम की गरिमा के अनुरूप ही है। जिस तरह आकाश में चमकने वाला सूर्य सारे संसार को अपनी ऊर्जा देता है और बदले में किसी कोई कामना नहीं रखता, उसी तरह आदरणीय भाई जी वो दैदीप्यमान सूर्य हैं जिन्होंने अपना समस्त जीवन मानवता की सेवा अर्थ अर्पित कर दिया। आदरणीय भाई जी तेजस्वी मुखमंडल, आँखों में ईश्वरीय स्नेह की चुंबकीय चमक, विचारों की उदारता, हृदय की विशालता, त्याग और तपस्या आपके जीवन के अलंकार हैं। आदरणीय भाई जी आपका जन्म 2 मई 1950 में मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में हुआ। आप संस्था के संपर्क में 1964 में आए और 1968 से समर्पित रूप से आप सभी जानते हैं अपने भोलानाथ बाबा का भंडारा आप विशेष रूप से संभाल रहे हैं, जहां इतने सारे यज्ञवत्स तृप्त हो जाते हैं ब्रह्मा भोजन करके। तो आदरणीय भाई जी आप वर्तमान में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा संचालित एकेडमी फॉर अ बेटर वर्ल्ड ज्ञान सरोवर में वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक के रूप में आध्यात्मिक ज्ञान एवं राजयोग की शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। साथ ही आप ब्रह्मा कुमारीज के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय में खाद्य विभाग के व्यवस्थापक भी हैं। वर्तमान सदस्य स्पिरिचुअल एप्लीकेशन एवं रिसर्च सेंटर अर्थात स्पार के राजयोग लैब के समूह संचालक है, साथ ही राजयोग शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान के एजुकेशन विंग, मीडिया विंग, आर्ट एवं कल्चर विंग के सक्रिय सदस्य हैं। भाई साहब कह रहे बहुत हो गया, मैं भाई साहब की विशेषताओं को कुछ लाइनों में व्यक्त करूंगी। स्वमानों की माला पहना भरते आप निर्बल में भी बल, हर समस्या का होता आपके पास बेजोड़ हल, प्रेरणाएं आपकी यही सिखाती रहे परिस्थितियों में भी अचल, योग विधियां हैं ऐसी जो बनाती हमें प्रबल, जो बनाती हमें प्रबल। आदरणीय सूरज भाई जी का पुनः हम एक हाथ की ताली से स्वागत करेंगे।
अब हमारे बीच उपस्थित हैं आदरणीय गीता दीदी जी, आपकी भी आपका भी परिचय न कहते ना, महान हस्तियां परिचय की मोहताज नहीं होती। कहते एक प्राचीन कहावत है, पूत के पांव पालने में ही दिखाई देते हैं। ये कहावत आदरणीय गीता दीदी जी के ऊपर बिल्कुल सार्थक दिखाई देती है। आप बचपन से ही ईश्वरीय ज्ञान में हैं, ईश्वरीय पालना में ही पले बड़े हैं और बचपन से ही आप बड़े मेधावी छात्रा रही हैं। स्कूल में भी हर प्रतियोगिता में, एक्टिविटीज़ में आपने बहुत अच्छे से हिस्सा लिया है। भाई साहब के साथ विगत 12 वर्षों से आप योग भट्टियाँ कराती रही हैं और भारत के सभी राज्यों के साथ साथ विदेशों में भी कई स्थानों पर आपने अपने योग अनुभवों से अनेक आत्माओं को लाभान्वित किया है। आपके लिए भी कुछ पंक्तियाँ मैं कहूँगी। सादा जीवन उच्च विचार की आप प्रतिमूर्ति, सादा जीवन उच्च विचार की आप प्रतिमूर्ति, अपने सरल स्वभाव से अनेकों की दिल जीती। जिनके बोल में है ज्ञान निष्ठता व योग में परिपक्वता, जिनके बोल में है ज्ञान निष्ठता व योग में परिपक्वता, समर्पण भाव से अपनी बनी शिव की सच्ची गीता, बनी शिव की सच्ची गीता। तैसी आदरणीय गीता दीदी का भी पुनः एक हाथ की ताली से स्वागत करेंगे। साथ ही हमारे बीच हमारे आदरणीय रूपेश भाई जी भी हैं। आप मूल रूप से बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हैं। आप 92 में आप ईश्वरीय ज्ञान के संपर्क में आए और 1994 से समर्पित रूप से ज्ञान सरोवर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपने जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है। आप राजयोग शिक्षक, परामर्शदाता, एंकर और पत्रकार भी हैं। आप स्पार्क विंग के कोर ग्रुप के मेंबर हैं। स्पार्क की कई रिसर्च प्रोजेक्ट में आपने कोऑर्डिनेट किया भी है और वर्तमान समय भी कर रहे हैं। और हम सभी जानते हैं आदरणीय भाई जी के अंग संग आपने बहुत सारे शोज़ भी किए हैं और एंकरिंग भी करते हैं उसमें, और साथ साथ सभी विभिन्न स्थानों पर भाई साहब के साथ जाकर आप भी अपने योग के अनुभवों से अनेक आत्माओं को लाभान्वित करते हैं, प्रेरित करते हैं। आपके लिए कुछ पंक्तियाँ मैं कहूँगी। ईश गुणों का रूप बनकर कहलाए आप रूपेश, कर्म व योग में हो बैलेंस सिखाते यही विशेष, ज्ञान के सहज स्पष्टीकरण से मिटाते हरे के क्लेश, बाबा से हो जिगरी प्यार देते यही संदेश। आदरणीय रूपेश भाई जी। अब अंत में हम सभी के बीच हमारी परम श्रद्धेय आदरणीय कमला दीदी जी उपस्थित हैं। आपके लिए दीदी जी यही कहेंगे कि जिस प्रकार देखे एक लौकिक दुनिया में भी एक माँ अपने बच्चे की परवरिश के लिए, उसके चहुमुखी विकास के लिए सभी प्रकार के प्रयत्न करती है, उसी प्रकार हम सभी की अलौकिक माँ कौन? कमला दीदी। आप भी हमारी इस अलौकिक पालना में कोई कसर नहीं छोड़ती। आज हम इतने सुंदर सभा में, इतने हंसों की सभा में, इतनी महान विभूतियों के सम्मुख जो बैठे हैं, वो भी हमारी आदरणीय दीदी जी के अथक प्रयासों का ही प्रतिफल है। आदरणीय दीदी जी के लिए यही कहेंगे, मीरा सी जोगन भी हो और भावनावान सबरी भी, लक्ष्मी धन की देवी हो और सरस्वती समज्ञानी भी, हर देवी की अवतार हो आप, हर गुण की भंडार, समूचा शब्द संसार भी कम है, करने को आपका आभार। एक बार एक हाथ की ताली से आदरणीय दीदी जी का भी स्वागत करेंगे। अब मैं आदरणीय कमला दीदी जी से अनुरोध करूंगी कि हमारे मंचस्थ महानुभावों का तपस्वी मूरत आदरणीय भाई जी, रूपेश भाई जी, गीता दीदी का हम सभी के बीच में थोड़ा परिचय भी रखेंगे, अपनी शुभकामनाएं देंगे, इस भट्टी के प्रति आप सभी के सामने भी अपनी शुभ प्रेरणाएं रखेंगे। आदरणीय कमला दीदी जी। ओम शांति। आज तो ये सभा ऐसी लग रही है जैसे हम सभी फरिश्ते वतन में बाप दादा के पास बैठे हैं। तो देखो, आज का जो ये हम सबको 4-5 दिन का समय मिला है, बहुत अमूल्य समय मिला है अपने स्वपरिवर्तन के, स्वउन्नति के लिए। और आप सब ने भी अपना अमूल्य समय निकाला है। देखो, हमारे
परम आदरणीय सूरज भाई जी, जो बाबा के राइट हैंड, दिल तख्त नसीन, नैनों के नूर, वरदानी आत्मा। देखो ज्ञान में तो आप देखते हो लाखों करोड़ों लोग चलने लगे हैं, लेकिन हमारे आदरणीय भाई साहब बाबा के वरदानी अमूल्य रत्न हैं, जिनका जीवन तो श्रेष्ठ है ही, लेकिन आपकी वाणी, आपकी वाइब्रेशन, आपकी दृष्टि अनेक आत्माओं के परिवर्तन के कल्याण के निमित्त बन जाते। तो देखो ऐसी वरदानी, ऐसी श्रेष्ठ तपस्वी आत्मा, योगी जीवन तो है ही आपका, लेकिन हम योगी राज भी कह सकते हैं। तो हमारे आदरणीय भाई साहब यहाँ छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पधारे। मैं तो सच बताऊँ, जब मैंने आपसे फ़ोन से बात की और आपने स्वीकृति दे दी, तो मेरे को तो कितनी ढेर सारी खुशी हुई, बहुत सारी खुशी हुई। तो ऐसे ना, अपना समय कम है, तो ऐसी महान विभूति का हम आप सभी तहे दिल से स्वागत करते हैं और आपको ढेर दुआएं भी देते हैं। आप स्वस्थ रहें, लंबी आयु रहे। और एक और भी है आपसे, एक और भी आशा है, हर वर्ष माना हो जाएगा संभव, हर वर्ष एक बार आपको रायपुर जरूर आना है। आप सबका भी ऐसा ही विचार है ना कि भाई साहब एक बार तो जरूर आए, भले भले आगे पीछे हो, चलो ये डेट ना हो, कोई भी डेट हो, लेकिन एक बार। क्योंकि देखो हम आपको बताएं, महारथियों के सानिध्य से जीव संघ का प्रभाव बहुत होता है। जैसे हम सब ने बाबा मम्मा की पालना ली, दादियों की पालना ली, बड़े महारथी भाइयों की पालना ली, उस पालना से ये हुआ हमें पता ही नहीं चला हमारा जीवन कब बदल गया, हमको पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। तो ये जो बड़े महारथी हैं उनके सानिध्य में आने से, सुनना बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन आप सबके सानिध्य से, आपके जीवन से, आपके वाइब्रेशन से सहज जैसे हम फोटोकॉपी बन जाते। तो ऐसी महान विभूति के हम सब दिल से स्वागत करते हैं ना। हाथ हिलाओ भला, चलो ना। अच्छा, इसके साथ हमारी मीठी प्यारी गीता बहन जी आई हैं, जो हम सबकी क्लासेस के लिए, उमंग उत्साह भरने के लिए ना। देखो वातावरण ही कितना अलौकिक सा महसूस हो रहा है। तो हम गीता बहन जी का ना तहे दिल से स्वागत करते हैं। और हमारे आदरणीय रूपेश भाई, जिनको अक्सर आप YouTube में देखते होंगे समाधान में, और तो जैसे आप यूथ हैं, उमंग उत्साह है, लगन है, छोटी सी आयु से ही इतना शौक है, और सबसे बड़ी बात आपको हमारे वरदानी मूरत भाई साहब का संग मिला है। तो हम रूपेश भाई का भी दिल से स्वागत करते हैं। और आप सभी होली हंस, आप सभी होली हंसों ने अपना अमूल्य समय निकाल के बाबा के घर तपस्या करने आए, तो आज की सभा देख के, आप सबको देख के पता मुझे क्या संकल्प चल रहा, क्या वाइब्रेशन आ रहे हैं, आप सबकी लगन उमंग उत्साह को देख के। सतयुग आया कि आया, कलयुग गया कि गया, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। ओम शांति। हाँ, और खुशी की बात है हमारे आदरणीय बंसल जी आए हैं, हमारे चौबे कॉलोनी के पार्षद हैं आप। और दूसरी बात, हमारे चौबे कॉलोनी का काया कल्प करने वाले, काया पलट करने वाले, ये आम पार्षद नहीं है, निर्दलीय
लेकिन चौबे कॉलोनी की कायाकल्प कर दी, कहीं कचरे का ढेर कहीं उसका ढेर। अभी आप जाके देखेंगे ना तो कितनी सजी सुधरी कॉलोनी है, और बाबा से भी प्रेम है, ज्ञान माना बाबा की मुरली भी सुनते हैं, कोर्स भी किया है ना, तो अब तो सतयुगी दुनिया में चलना है, तो हम अपने भाई साहब का भी ना बंसल जी का भी स्वागत करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। आदरणीय बहन जी ने हमारे बंसल जी का परिचय दिया, अब मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि दो मिनट अपनी शुभ भावनाएं हम सभी के बीच में रखेंगे। आदरणीय अमर बंसल जी, आप सभी को नमस्कार। ओम शांति। हमारे बीच केंद्रीय कार्यालय माउंट आबू से पधारे सूरज भाई एवं हमारे बहनें, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। मैं तो केवल सुनने आया हूं, मुझे बोलने के लिए कुछ नहीं, केवल शुभकामनाएं जी। बहुत बहुत धन्यवाद बंसल जी का। अब मैं अपने मंच पर उपस्थित आदरणीय भाई जी, आदरणीय दीदी जी, आदरणीय बंसल जी, गीता दीदी और रूपेश भाई जी से अनुरोध करती हूँ कि दीप प्रज्वलन करके आज की इस सुंदर भट्टी का हम सभी उद्घाटन करेंगे, और इस उद्देश्य को लेकर कि इस भट्टी का प्रकंपन संपूर्ण विश्व में फैलता रहे, ये ज्योति जगती रहे। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में, जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं, तपस्या की घड़ियाँ शुरू हो चुकी हैं पहले से ही, लेकिन हम सभी के लिए विशेष आदरणीय सूरज भाई जी अब अपने ज्ञान की रोशनी से हम सभी को रोशन करेंगे। कहते हैं पारस के साथ रहकर पत्थर भी सोना बन जाता है, बस कुछ यही अनुभव हम इस समय आदरणीय भाई जी के सानिध्य में रहकर करेंगे। तो मैं आदरणीय भाई जी से अनुरोध करती हूँ कि आप सभी को अपनी योग की गहन अनुभूतियों से लाभान्वित करें। आदरणीय भाई जी। ओम शांति। सभी मेरे साथ चिंतन करके हमारी जीवन की यात्रा कैसे बीत रही है, कैसे चल रही है, ईश्वरीय सुखों में या संसार की उलझनों में, सभी विचार करेंगे। हमने स्वयं को मुक्त रखा है या कहीं भी उलझा दिया है? भगवान भाग्य बांटने आया है, पूरा भाग्य लेने की उमंग है, या जो मिल जाएगा ठीक है? क्या संकल्प हैं हमारे? कल भी मैंने आपको एक संकल्प दिया था, संकल्पों को महान बनाना है। संकल्प बदलते ही मनुष्य का संसार बदल जाता है। हमारे संकल्प जितने सुंदर होंगे, जीवन उतना ही सुंदर होगा। बीमारियां भी भाग जाएंगी, समस्याएं भी समाप्त हो जाएंगी। तो हमें भट्टी में स्वचिंतन करना है। जब हम इस संसार से जाएं तो क्या क्या लेकर जाएं? हमें खाली हाथ नहीं जाना है, हमें तो भरपूर होकर जाना है। खाली हाथ तो दुनिया वाले बहुत जाएंगे, हमें तो देते हुए
और अपने को भरपूर रखते हुए संसार से विदाई लेनी है। चिंतन करेंगे, स्वयं भगवान भाग्य विधाता हमें अपना सब कुछ देने आया है। मैं क्या ले रहा हूँ? सोचो सभी, सब कुछ लेने का इरादा है? सोचेंगे केवल, मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा, क्योंकि द्वापर युग से भक्ति में उससे मांगते आए केवल, और अब वो सब कुछ देने आ गया है। जब मांगते थे तब तो ये पता भी नहीं था कि मिलेगा भी या नहीं, अब तो पता है, जो चाहेंगे वो मिल जाएगा, विधि प्राप्त हो गई है, रास्ता मिल गया है, मंजिल दिख गई है। अब हम ये नहीं कह सकते हमारा लक्ष्य क्या है, टारगेट क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, हमें सब पता चल गया है। जीवन की यात्रा हमारी सुंदर हो गई क्योंकि भगवान का साथ मिल गया है। मिला है तो मैं आज पहली चर्चाओं में आप सभी को कुछ होमवर्क दूंगा जो सबको करने हैं, और ये होमवर्क आज और कल के नहीं, ये जीवन भर के हैं। पहला, ये सुंदर संकल्प करेंगे रोज सवेरे, स्वयं भगवान मुझे साथ दे रहा है, और इसका इफेक्ट देखेंगे क्या होता है। जब हम अकेले काम करते हैं तो कैसी उलझने हैं, समस्याएं हैं, बाधाएं हैं, और अगर हम ये संकल्प कर लेते हैं सर्वशक्तिवान मेरा साथी है, तो उसकी शक्तियाँ कैसे हमें मदद करती हैं। मुझे कुछ दिनों से, एक मास से, मेरी बहुत पहले की जीवन की कुछ सुंदर घटनाएं याद आई बाबा की। बाबा ने अपने महावाक्यों में कहा, संकल्प करो, सुन लो पहले फिर नोट करना जो करना है, संकल्प करो उसका इफेक्ट देखो, ये रिसर्च करो तो तुम सर्च लाइट बन जाओगे। संकल्प करो उसका क्या इफेक्ट हुआ, कर्म पर, परिस्थिति पे, बीमारियों पे, इसकी रिसर्च करो तो जीवन भी एक लेबोरेटरी बन जाए। बाबा उन दिनों ये संकल्प दिया करते थे, लाइफ को लेबोरेटरी बनाओ, इसमें सुंदर सुंदर अलौकिक अनुभव करो, क्या होता है। मुझे खुशी हुई, भाई साहब न्यूरोसर्जन बैठे हैं, मुश्किल से ही मिलते होंगे कहीं कहीं, मैं भी थोड़ा थोड़ा काम करता रहता हूँ, हूँ तो उस सब्जेक्ट में बिना पढ़ा लिखा पर काम करता रहता हूँ क्योंकि भगवान ने पढ़ाया है। जो संकल्प हम करते हैं, बात को ये राज है, जो संकल्प हम करते हैं हमारा ब्रेन उसी तरह अपने को मैनेज कर लेता है। डॉक्टर ने बता दिया कैंसर फोर्थ स्टेज में है, ठीक नहीं हो सकता। एक पेशेंट ने स्वीकार कर लिया मैं ठीक नहीं होऊंगा, हाल दिनों दिन बिगड़ता गया, मृत्यु हो गई। दूसरे पेशेंट की सच्ची घटना, डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं हो सकता भाई, ले जाओ सेवा करो, पैसा भी क्यों खर्च करते हो हॉस्पिटल में रखकर। हमने उसे संकल्प दिया,
संकल्प करो मैं ठीक हो जाऊंगा। पावरफुल संकल्प, मेरे साथ भगवान है, मुझे अच्छे अच्छे काम करने हैं, अभी बाबा की मदद करनी है, मैं ठीक हो जाऊंगा। स्थिति सुधरती गई। जिसको 3 मास कह दिया था चले जाएंगे, वो जी रहे हैं मज़े से। हमारे संकल्पों में बहुत पावर है। तो ये काम करेंगे आप, भिन्न भिन्न परिस्थितियों में संकल्प का क्या इफेक्ट होता है। आप आज सवेरे जल्दी उठे, कईयों ने सोच लिया होगा दिन में नींद आएगी क्लास में, तो क्या होगा? आएगी। और कईयों ने सोचा होगा नहीं, आज तो सुंदर दिन है, हम चुस्त दुरुस्त रहेंगे, 3 बजे उठ गए तो क्या है, सारा दिन फ्रेश रहेंगे। वो फ्रेश रहेंगे, ब्रेन उसी तरह अपने को सेट कर लेता है। इसलिए सबको चेक करना है, हम कहाँ गलत नेगेटिव सोचते हैं, और सभी अच्छी तरह जान लें हमारे हर संकल्प में क्रिएटिव एनर्जी है। अनुभव करेंगे जीवन के, हमारे हर संकल्प में रचनात्मक शक्ति है। जो संकल्प बार बार करेंगे उसका निर्माण होगा। मैंने कई बार ये बात कही है बाबा की, फिर सुन लें आप। जो संकल्प हम करते हैं, एक संकल्प आप कर रहे हैं, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, करते होंगे सभी, सवेरे उठ के करते होंगे आप, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, तो क्या हो रहा है, ये तरंगे चारों ओर फैल रही हैं, ये तरंगे जा रही हैं प्रकृति में। प्रकृति और इन तरंगों के बीच रिएक्शन हो रहा है, और प्रकृति आपको श्रेष्ठ भाग्य निर्माण करके वापस दे रही है। आप संकल्प कर रहे हैं मैं बहुत खुश नसीब हूँ भगवान मिल गए, मैं बहुत खुश हूँ जीवन की यात्रा सुलभ हो गई, मैं बहुत खुश हूँ भगवान की गाइडेंस मिल रही है, मैं बहुत खुश हूँ, तो ये संकल्प चारों ओर फैल रहे हैं, प्रकृति में रिएक्शन हो रहा है, प्रकृति खुशी 100 गुना करके आपको वापस भेज रही है। इस सिद्धांत को सब याद रखेंगे, हमारे भाग्य के निर्माता हम स्वयं हैं, जो कुछ हमारे साथ हो रहा है उसके जिम्मेदार भी हम स्वयं है। समझ गए क्या सोचेंगे? हम अच्छे से अच्छा सोचें। आज सवेरे में थोड़ी देर फोन खोला मुरली सुनने के लिए, एक माता जी का फोन आ गया, भाई जी मेरे को 2 बच्चे हैं, लेकिन परिवार में और 2 बच्चे डिसेबल्ड हैं, विकलांग हैं। अब मुझे बहुत डर रहता है मेरे बच्चे भी विकलांग न हो जाएं। मैंने कहा क्यों तुम्हें ये डर? कहा बस मुझे वो दूसरों को देख के ये डर सता गया, और इतना भारी आ गया है अंदर में कि उसको निकालना मुश्किल हो रहा है। मैं सोचती रहती हूँ तू ये क्या सोच रही है, मेरे बच्चे तो अच्छे हैं दोनों, पर फिर सोच आता है। आखिर मुझे भी उस पे दया आई, मैंने समय लेकर उसको कुछ चीज़ें सिखाई, तुम करो और ये संकल्प छोड़ दो। मैं बहुत भाग्यवान हूँ, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, ये बड़े होने तक वो लंबी आयु तक अच्छे ही रहेंगे, ये संकल्प कर लो। मुश्किल से फिर कहे मुझे फिर डर लगता है भाई जी कहीं मेरे बच्चों को कुछ हो न जाए।
तो हम सभी ध्यान दें, हमारा चिंतन वही हो जो हम चाहते हैं। एक संकल्प हम आपको पक्का कराएंगे बार बार, गीता बहन बहुत पक्का कराती है, मेरे साथ स्वयं भगवान है तो मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। पक्का कर दो ये। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। उठते ही संकल्प कर दिया करो, दीपक में घी डल जाएगा, लो बड़ी हो जाएगी। स्वयं भगवान ने अपनी मुरलियाँ चलाते हुए कहा था, वहीं से हमने सीखा, ये बाबा से ही सीखी हैं सब बातें। बाबा ने कहा तुम हमेशा कहो जो कुछ हो गया वो भी, बोलो जरा वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो भी और जो होगा वो भी। ये तो कई बार कहा था पर आखिरी बार कहा, अगर कुछ बुरा होने वाला भी होगा वो भी अच्छा हो जाएगा। अब जब भगवान कह रहा है तो हमें कुछ सोचना चाहिए, तो हम संकल्प करें, बोलेंगे मेरे साथ एक साथ, मेरे साथ सब कुछ, करेंगे रोज सवेरे, और ये भी जोड़ेंगे क्यों, क्योंकि मेरे साथ स्वयं भगवान है। इस नशे को कम नहीं करना है, सचमुच वो साथ दे रहा है या नहीं, लेकिन हमें लेना आना चाहिए। और लेने की विधि यही है, स्मृति में रखना, कुछ भारी काम नहीं है। कोई कहे कैसे साथ लें, वो तो सुनता ही नहीं हमारी, ये नहीं, वो अपने बच्चों की सब कुछ सुन रहा है। बस याद रखेंगे बाबा मेरे साथ है। मैंने कई बुजुर्ग माताओं को देखा जो पढ़ी लिखी नहीं, गांव की माताएं मस्त रहती हैं, कुछ समस्या हो गई, अरे चिंता क्यों करते हो, बाबा हमारे साथ है, सब अच्छा हो जाएगा। मैं देखा उन माताओं में इतनी ताकत कि सब अच्छा हो जाता है। भावना अंडरलाइन करें, इसको आजकल की भाषा में लोग कहते हैं कॉन्फिडेंस, विश्वास, पर उससे भी सरल बात है भावना। कॉन्फिडेंस को तो कोई लोग समझेंगे भी नहीं, कॉन्फिडेंस डाउन भी होते हैं, लेकिन भावना, जब भगवान साथ दे रहा है डरने की क्या बात है। गीत गाया करो, कौन सा, ईश्वर अपने, दूसरा महावाक्य प्रयोग करने हैं सबको, करेंगे ना, पीछे वाले सब करेंगे। बाबा ने कहा, देखो कैसी सहज कर दिए हैं हमारी जीवन की यात्रा, समस्याओं को हल करने का कितना सुगम मार्ग दिखा दिया है। कहा खुद भगवान सिखाता है, जब भी मुश्किलात आए प्यार से कहना। अब बोलो क्या कहना, नहीं कुछ और, ये तो मैंने रटा दिया आपको, कुछ और बात, अब अगली बात है ना, किसको याद है, माताएं तो बहुत याद रखती हैं, आज माताएं थोड़ी सी हैं। जब भी मुश्किलात आए, बोलो, जब भी मुश्किलात आए दिल से कहना, मेरे बाबा मेरे साथी, आ जाओ मदद करो। भक्तों की तरह नहीं हाथ जोड़ के, रिक्वेस्ट से नहीं, नो रिक्वेस्ट, वो भक्तों का काम है। किससे कहेंगे, अधिकार से, मेरे बाबा मेरे साथी, आ जाओ मदद करो।
अपना कोई तो बुलाया जाता है ना ऐसे, पराये को थोड़ा ऐसे बुलाया जाता है, पराये से रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। जो अपने हैं कहेंगे जल्दी आओ, दौड़ के आओ, सब काम छोड़ के आओ, कहते हैं नहीं आप अपने बच्चों को, साथी को आएगा। अब चौथी लाइन जो बता देगा वो बहुत बुद्धिमान जीनियस माना जाएगा। आखिरी लाइन बोलो। बिल्कुल राइट। और बोलो, उधर वालों ने नहीं सुनी आपकी बात, बोलो किसको याद है। तो इन्होंने बता दिया, तो बाप भी बंधा हुआ है मदद करने के लिए। नोट कर लो, लिख के रख लेना, वैसे स्लोगन मिलते हैं ये लिखे लिखाए, पर खुद लिखेंगे तो याद रहेगा। जब भी मुश्किल आता है दिल से कहना, मेरे बाबा मेरे साथी आ जाओ मदद करो, तो बाप भी बंधा हुआ है मदद करने के लिए। भगवान बंधा है, किसने बांधा उसको, बोलो किसने बांधा। बड़े ठंडे आप तो, हमने। किसने बांधा, अभी नहीं आवाज आई, किसने बांधा, किसमें बांधा, किसमें बांधा, प्यार में। प्यार में मनुष्य अपना सब कुछ छोड़कर भागा चलाता है। हमने उससे जन्म जन्म प्यार किया था, जानते कुछ नहीं थे किससे प्यार कर रहे, ये भी नहीं पता था। अब वो प्यार का रिटर्न देने आया है, तो बहुत अच्छे अनुभव करने हैं। रोज एक अनुभव, कम से कम एक, कि समस्या आई, कोई बड़ी बात आ गई, कोई अनहोनी घट गई, अचानक बीमारी हो गई, अचानक कुछ हो गया, तो याद रखना, बुलाओ आ जाओ, बस इतना सब करने की जरूरत नहीं, बाबा आ जाओ मदद करो। मदद करने की कहने की भी जरूरत नहीं, आना ही काफ़ी है। दिखाया ना अर्जुन के रथ पे बैठ गया, करना कुछ नहीं पर करना सब कुछ था, उसके वाइब्रेशंस ही काफ़ी हैं। तो रोज एक अनुभव, बाबा को बुलाया क्या हुआ। पसंद है, आपको कह दिया जाए आज इस स्कूल में भाषण करना है, टॉपिक भी दे दिया जाए, एकाग्रता को कैसे बढ़ाएं बच्चे। अब आप कहें हमारी तो अपनी एकाग्रता नहीं है, क्या करें, बच्चों को क्या सिखाएंगे एकाग्रता को कैसे बढ़ाएं। लेकिन दो चार बातें सोच लो और बाबा का आह्वान करो, आ जाओ आप सिखा दो बच्चों को, देखना आपका आधा घंटे का भाषण कितना अच्छा हो जाएगा। जाते होंगे ना कहीं कुमार, तो कोई भी हो, ये तो मैं उदाहरण दिया कहीं भी। तो ये नहीं सोचना क्या करें कैसे करें, बाबा को बुला लो, इसका अनुभव रोज कम से कम एक अवश्य करना है। देखो मैं अभी का उदाहरण सुनाऊं, मुश्किल से हफ्ते पहले की बात होगी। एक कन्या अपनी स्कूटी पे हॉस्टल से घर आ रही है, छुट्टी हुई है एक दिन की, हाईवे से आ रही है, हाईवे पे तो नेचुरल है थोड़ी फास्ट ही चलेंगी गाड़ी। उसको एक जगह मोड़ना था, मोड़ में तो धीरे हो ही जाती है, लेकिन एक रिक्शा वाले ने फट से मोड़ दिए, वो तो ना इंडिकेटर देते ना कुछ, फट से घुमा देते, टक्कर हुई और ये गिरी उछल के उल्टी, और हेलमेट पहना हुआ था, हेलमेट टूट के दो हो गया। अब कितनी टक्कर हुई होगी भारी, लेकिन उसको कुछ नहीं हुआ, उठ के खड़ी होके अपनी स्कूटी उठा के फिर चल दी। मैंने पूछा कैसे हुआ, कि मैं तो बाबा को बुला लिया था जब घर से चली थी, कि बाबा आ जाओ पीछे आप बैठ जाओ, बस
बैठ गया। ऐसे ऐसे अनुभव रोज करने, जरूरी नहीं आप रोज स्कूटी से गिरोगे, लेकिन अच्छे अनुभव रोज करने हैं। घर से चलो, बाबा का आह्वान कर लो, यह व्यक्त होने की सुंदर विधि है। जब भी काम पर चलो, एक नियम बना दो सभी, और मैं बाबा का एक बहुत सुंदर महावाक्य सुना देता हूँ। और ये यूनिवर्सल सिद्धांत है, इटर्नल सिद्धांत, सदा काल चलने वाला सिद्धांत जो बाबा ने बताया है, भक्ति में भी प्रचलित है। किसी भी कार्य को करने से पहले, लिख लो इसका, बहुत अच्छा अभ्यास करना, किसी भी कार्य को करने से पहले जिस स्मृति में रहेंगे उसका प्रभाव पूरे कार्य पर पड़ेगा। अब डॉक्टर साहब को सर्जरी करनी है, ब्रेन की सर्जरी सबसे कॉम्प्लिकेटेड, सूक्ष्म, लोग को डर रहता है ब्रेन की सर्जरी करनी, पेशेंट पहले ही कहता है नहीं नहीं करेंगे, लेकिन डॉक्टर साहब ने बाबा का आह्वान कर लिया, आ जाओ अब तुम करना मेरे साथ, फर्स्ट क्लास होगा, कोई केस फेल ही नहीं होगा, अनुभव होंगे। भक्ति में इसकी यादगार है, कोई भी शुभ कार्य से पहले पंडित को बुला के मंत्रोच्चार कुछ विधि विधान करते हैं ना, वो इसीलिए करते हैं पे सब काम निर्विघ्न हो, सब सुखी हो जाएं, एक सुंदर वाइब्रेशंस के साथ कार्य की शुरुआत। मकान बनाना है, नींव रखनी है, घर प्रवेश करना है, शादियाँ हैं, एक सुंदर स्मृति की शुरुआत। जब भी कर्म करो इसको अपनी आदत बना लेना, हमें श्रेष्ठ स्मृतियों में रहना है। आज का मेरा दिन ऐसा होगा, मैं आपको एक सुंदर सी विधि बता रहा हूँ, ये तो हो गया कर्मों से पहले। रोज सवेरे उठकर बाबा को गुड मॉर्निंग करके, कल मैंने कुछ बातें कही थी जो आज सवेरे अभ्यास किए थे, सवेरे उठते ही स्वमानों की माला फेरो, धज कर मेरे पास आओ, ये बात हमने की और आज अभ्यास भी किया, तो बहुत अच्छे संकल्प करेंगे उठते ही, मेरा आज का दिन ऐसा होगा। विचार कर लो कैसा कैसा हम अपना आज का दिन चाहते हैं, उसके 5 पॉइंट बुद्धि में ले आओ या लिख दो, लिखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। मेरा आज का दिन कदम कदम पर सफलताओं में बीतेगा। आज जो भी मेरे पास आएगा प्यार लेकर ही जाएगा। आज का मेरा दिन खुशियों में बीतेगा। आज मुझे कदम कदम पर एहसास होगा मैं बहुत भाग्यवान हूँ। आज का मेरा दिन निर्विघ्न रहेगा। अपने लिए, परिवार के लिए भी कर सकते हैं। तो सवेरे जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, अचेत अवचेतन मन, अंतर्मन, हम अपनी भाषा में कहेंगे सिंपल अंतर्मन जागृत होता है, उस समय हम जो सुंदर संकल्प करेंगे उसका बहुत बड़ा इफेक्ट दिनचर्या पर होगा। भिन्न भिन्न बीमारियों में भी सभी इसके प्रयोग कर लेना। एक बात मैं आप सभी को कह देना चाहता हूँ, दो चीज़ें कह रहा हूँ, सिखा रहा हूँ आपको,
और कह इसलिए रहा हूँ कि आप दूसरों को सिखाएंगे, क्योंकि संसार में दो चीज़ें बहुत बढ़ती जा रही हैं, डर भय। एक ऐसा छुपा हुआ भय जो किसी को पता नहीं चलता क्यों, जैसे मैंने इस माता का उदाहरण दिया, हम इसका कारण जानते हैं, पूर्व जन्मों के कई इफेक्ट हैं मन पर। दूसरा डिप्रेशन, उसके कई रूप दिखाई देते हैं, ज़्यादा सोचने की आदत। एक संकल्प आ गया वही चल रहा है, उसे चेंज ही नहीं कर पा रहे हैं। इन दोनों चीज़ों के सबको डॉक्टर बन जाना है, क्योंकि ये महामारी बनती जा रही है, इसकी कोई दवाई नहीं, गोली नहीं होती। अब डर लग रहा अंदर, कोई नहीं है, बिना कारण के डर है, ये नहीं कुछ है। तो ऐसे में जिसको किसी को आप में से लगता हो वो कर ले, दूसरों को सिखाएंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, निर्भय हूँ। सवेरे उठते ही 21 बार लिखेंगे,
तो सभी को अपनी स्थिति को महान बनाना है, निर्भय। जिन्होंने भी ज्ञान नहीं लिया और उनको भय लग रहा है, तो आप इतना सिखा देंगे कि तुम भगवान की संतान हो, वो सर्वशक्तिवान है, तुम भी बहुत शक्तिशाली हो। थोड़ा सा सिखा देंगे और लिखाएंगे, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, निर्भय हूँ। बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। जिनको डिप्रेशन है, नींद नहीं आती, सवेरे उठकर और सोने से पहले, सवेरे जो ज्ञान में नहीं भी हैं, यानी वो 9 बजे उठकर लिखेंगे 6 बजे तक, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ 108 बार लिखेंगे, यहाँ से ब्रेड को एनर्जी जाएगी, डिप्रेशन ठीक हो जाएगा। बहुत केस ठीक हुए हैं। किसी को ऐसी आदत पड़ गई हो ज़्यादा सोचने की, ज़्यादा संकल्प चलते हों, एंग्जाइटी भी कहते हैं इसको, कई नाम है, OCD, कुछ भी गड़बड़ मानसिक रूप से हो रही हो, आत्मा से पावरफुल एनर्जी ब्रेन को देंगे, ठीक हो जाएगा। और उसकी सिंपल विधि, सवेरे उठकर लिख दो 108 बार, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। 20 मिनट लगेंगे, पर आपके 20 मिनट बहुत सफल होंगे। जिनका योग नहीं लगता, वो भी 21 टाइम लिखें रोज, तो योग अच्छा लगने लगेगा। इससे सरल तरीका और कुछ नहीं हो सकता। एकाग्रता बढ़ेगी, बहुत अच्छे अनुभव होंगे। मैं आपको प्रयोग सिखा रहा हूँ संकल्प शक्ति के। चौथा प्रयोग, वो भी आपको करना है। सबको याद है, पहला था बाबा मेरे साथ है, स्वयं भगवान मुझे साथ दे रहे हैं। दूसरा था संकल्प करो और उसके इफेक्ट देखो। आपको बाइक से कहीं जाना है ना, देखो छोटे छोटे प्रयोग। आपको पता है इस टाइम मार्केट में भीड़ मिलती है, वहाँ तक जाने मुझे आधा घंटा लग जाएगा। आप संकल्प करो, मेरे साथ बाबा है, आज आराम से 20 मिनट में पहुँच जाऊँगा, और देखना रिजल्ट, लाइन क्लियर मिलेगी। तीसरा बताया, बाबा को बुलाना, बाबा बंधा हुआ है मदद करने के लिए। और चौथा, बहुत सूक्ष्म बात है, बहुत गहरी बात है, और इसको करेंगे और इसके बहुत सारे अनुभव प्राप्त करेंगे। अपनी किसी बात की प्लानिंग बाबा को करने दो, समझ लेना इस बात को। आपके पास कोई बड़ी समस्या है, कोई बड़ी बात है, आपको प्लान करना है इस समस्या से बाहर कैसे आएं। आपकी प्लानिंग तो लिमिटेड होगी ना। बाबा को कहो, बाबा मुझे इस समस्या से बाहर निकालना है, आपको प्लानिंग आप कर दो। थोड़ी गहरी बात है, अनुभव करेंगे। और इसको सरल शब्दों में कि अपनी मन की, इस परिवार की जिम्मेदारियां, बाधाएं, समस्याएं, बोझ बाबा को अर्पित करो। इसके अनुभव देखो, क्योंकि जब तक मैं बहुत रहता है, मेरी जिम्मेदारी है, मुझे क्या करना है, मेरे से नहीं होगा, टेंशन हो गई, नींद भी नहीं आ रही, फिर भारी हो गया सब कुछ, हाई BP हो गया। बाबा से बात करो और कहो, बाबा ये समस्या, लिख के भी कर सकते हैं, लिख के बाबा के सामने रख दो, अब आप इसको हल करो, समर्पित करो बाबा को, और बाबा का ये महावाक्य याद करो। अब ये महावाक्य लिख लेना,
मैं पहले बताया होगा, यहाँ बहुत बार बताया जाता है, लेकिन ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको रोज़ याद करना चाहिए। बाबा ने कहा, जो बाप सारे संसार का बोझ उठाने वाला है, क्या वो अपने बच्चों का बोझ नहीं उठाएगा? देखो कितनी सुंदर बात कहते हैं बाबा, हमें सिखाते हैं, मैं तुम्हारा सारा बोझ लेने को तैयार हूँ, दो। जो बाप सारे संसार का बोझ उठाने वाला है, क्या वो अपने बच्चों का बोझ नहीं उठाएगा? मुझे तो भाई बहने वंडरफुल अनुभव सुनाते हैं, माताएं ज़्यादा सुनाती हैं, क्या क्या होता है बाबा को देने से, भावनाओं से क्या क्या होता है। प्यार और भावना से भगवान को भी बांधा जा सकता है, इसके अनुभव भी बहुत करने हैं। तो अनुभव ही हमें अथॉरिटी बनाएंगे। अब मैं चाहूँगा भाई गीत निकाल लेना, जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, सुना है ना सबने। अब हम सभी 3 मिनट में मन के जो भी बोझ आपके ऊपर हो बाबा को देना, सुख संवतन में बाप दादा सामने सुना दो सारे बोझ, कोई जिम्मेदारी हो, कोई परेशानी हो, कुछ ऐसा हो कि अब क्या होगा, ये तो हो नहीं सकता, सब उसके हवाले कर देना। रेड लाइट, नहीं ठीक है, सारे बोझ प्रभु हवाले। एक बात और, बस बाबा ने हम सभी को बहुत गहरा ज्ञान दिया है, दिया है अमृत पिलाता है रोज सवेरे, सभी पीते हैं या कोई घर बैठे ही पी लेते हैं? घर बैठने वालों को थोड़ा मिलेगा, बहुत सुंदर ज्ञान। और इस ज्ञान की ब्यूटी ये है कि रोज़ सवेरे हमारे विचारों में परिवर्तन होता है रोज़, और ये बहुत बड़ी चीज़ है। रोज़ किसी के विचार बदलते हों, बहुत बड़ी पालना है ये बाबा की। तो एक बात पक्की करेंगे, हमने आपको कहा हमारे हर संकल्प से एनर्जी पैदा होती है, भूलना नहीं ये बात। आजकल जो व्यर्थ का प्रकोप चल रहा है संसार में, अनेक ब्राह्मणों में भी व्यर्थ बहुत बढ़ रहा है, कोई कुछ सोचता है, कोई कुछ सोचता है।
मुरली से कोई एक सुंदर संकल्प रोज ले लें। मैं ज़्यादा नहीं कह रहा कि सारी मुरली याद रखो, वो तो सभी कहते हैं आपको, एक कोई भी सुंदर संकल्प मुरली से मिल जाए, नहीं तो कोई सुंदर स्वमान, कोई ईश्वरीय नशा, वो दिन में याद होता रहे तो उससे ब्रेन को एनर्जी मिलती रहेगी और बाहर की कोई भी बैड एनर्जी आपको स्पर्श नहीं करेगी। छोटा सा सिद्धांत फॉलो करेंगे जीवन में, कोई सुंदर बात मन में घूमे, आप कहेंगे कैसे घूमेगी? उल्टा उदाहरण, एक कोई आपको दो गंदे शब्द बोल दे, आज सारा दिन कितनी बार याद आते हैं, वो खाते पीते नहाते धोते स्कूटी चलाते बाइक कार चलाते वही याद रहेगा, इसने आज ये बोला, बड़ा ख़राब आदमी है, मेरी इंसल्ट कर दी, रहेगा या नहीं? बैड एनर्जी चेहरे को उदास किए रखेगी। एक सुंदर विचार रोज। अब लास्ट बात, पसंद है? एक सुंदर विचार मुरली से, कोई क्लास से सवेरे अव्यक्त मुरली पढ़ लो, बहुत बड़ा खजाना है इसमें रमण करना, बहुत सुंदर कला है, विधि है जीवन को सुखी बनाने के लिए। हम सभी एक नशे को लेकर चलेंगे, बाबा के महावाक्य सुना के कह रहा हूँ। बाबा ने कहा, तुम सभी बहुत भाग्यवान हो क्योंकि प्रभु पालना में पल रहे हो। इस पालना को समझ लेंगे आज सभी अच्छी तरह, क्योंकि तुम प्रभु पालना में पल रहे हो। बाबा ने पालना गिनाई, सवेरे बाप तुम्हें उठाने आता है। बोलो, उठाता है बाबा? किसको अनुभव है, हाथ उठाओ। वाह, सबको है। आप बस कहो तो सही ना, रात को बाबा को इतने बजे फ्रेश उठा देना, देखो कितना अच्छा होगा। उठते ही गुड मॉर्निंग करो, कितने भाग्यवान हैं हम सभी, आँख खुलते ही भगवान मिलता है। दुनिया में तो आँख खुलते ही लोग, आजकल तो व्हाट्सएप मिलता है, फेसबुक मिलता है, गंदगी मिलती है। हम भाग्यवान उठते ही बाबा को गुड मॉर्निंग करेंगे, बाबा फील करो उसकी किरणें डाल रहा है, वो आशीर्वाद का हाथ मेरे सिर पर रख दिया है। फिर कहा, बाप तुम्हें पढ़ाने आते हैं, परम धाम से पढ़ाने आते हैं। पढ़ाई की भी वैल्यू हमारी बुद्धि में होनी चाहिए। फिर कहा, ब्रह्मा भोजन खिलाते हैं, खुद कमा के खाते हैं या बाबा खिलाता है, बताओ भाई, लोग बैठे हैं ना सभी, ये ना सोचना मैं कमाता हूँ, मैं खिलाता हूँ, बच्चों की पालना मैं करता हूँ, मैं नहीं, बाबा। फिर कहा, रात को सुलाने आते हैं। और पांचवी बात बहुत सुंदर कही थी, कोई बच्चा दुखों में आंसू बहाता है तो बाप आकर उसके आंसू पोंछते हैं। पांच बातें कही, और भी बहुत हैं, वरदान देते हैं, शक्तियां देते हैं, समस्याओं का हल देते हैं, और सबसे अच्छी बात है जब भी बुलाओ आ जाते हैं। ये बात कहकर बाबा ने कहा, अब ये दो बातें बहुत सुंदर हैं, इनको साथ रख लेना। मैं तो बार बार सुनाता हूँ, मुझे भी नशा रहता है। बाबा ने कहा, अगर दुनिया वाले ये बात सुने तो कहेंगे भगवान इनके लिए खाली बैठा है क्या? और आया याद, मैं बहुत सुनाता हूँ,
बाबा ने खुद उत्तर दिया, क्योंकि तब ओम शांति भवन था, नज़दीक से बाबा के चेहरा भी दिखता था, मैं देखता था एक्सप्रेशंस क्या हैं प्रभु जी के मस्तक पे आज। तो बाबा ने कहा, तुम उन्हें कह दो, ये ऐसा ही टोन था, तुम उन्हें कह दो भगवान इस समय हमारे लिए खाली ही बैठा है। अब भगवान खाली और हम बहुत बिजी, चलेगा काम? विश्व को चलाने वाला खाली और हम अपने को भी नहीं चलाना जानते। कहते हैं परिवार को चलाना पड़ता है, छोड़ दो उसके ऊपर। पापा खाली है हमें मदद करने के लिए, हमारी सुनने के लिए, हमें सहयोग के लिए। फायदा उठाएंगे। चलें बस यही समाप्त करते हैं। छोटा सा गीत बजा दो भाई कोई, इसी नशे में रहना। बाबा खाली बैठा है और अब ज्ञान सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, इस फीलिंग में बैठेंगे। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। वर्णन करूं मैं कैसे मुख से, ये दिल जानता है बाबा, दिखता है जो नैनों के नूर से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे,